रोज ही खाते हैं, पर आज मैं खाने वाली हूँ इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा वायरल होने वाले वियर्ड फूड, जैसे कि रसगुल्ला, चाय, पेस्ट्री, मैगी और आइसक्रीम गोलगप्पा। आए हाय। और मैं ये देखने वाली हूँ कि ये वियर्ड फूड इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि ये फूड ब्लॉगर हमको पागल बना रहे हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ रसगुल्ला, चाय, और मैं बता दूँ ये सब कुछ मैं तुम्हारे बिहाफ पे ट्राई करूँ कि तुम लोगों को ये ना खाना पड़े, और मैं खाकर बताऊंगी कि क्या क्या चीजें तुम सच में ट्राई कर सकते हो और क्या क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाना। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। रसगुल्ला चाय कहीं मिल नहीं रही है हमें, तो हम अपने रसगुल्ले घर से लेकर आए, भैया से चाय बनवाएंगे और रसगुल्ले देंगे उनको। भैया आज से पहले आपने किसी के लिए बनाई है रसगुल्ला चाय? पहली बार सुनी है। वैसे मैं चॉकलेट चाय, पान चाय, रोज चाय ये तो मैंने बनाई भी है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? यही है वो भैया जो वियर्ड खाना बेच रहे हैं एनएसयूटी के सामने। तो भैया आज आपको मेरे लिए बनानी है रसगुल्ला चाय। इसमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये चाय बन रही है, अंदर रसगुल्ले हैं। इसके अंदर रसगुल्ले हैं? हाँ, उसके ऊपर आपको चाय डालनी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भैया खुद घबरा रहे इस गंदी हरकत को करने से। रसगुल्ला पहले डालना है, बाद में मतलब चीनी डालनी है उसमें? फिर चाय में चीनी डाल देना, जल्दी से बनाओ। आइसक्रीम डाल दो। शर्म करो, भगवान से डरो। आप ट्राई करोगे मेरे साथ? नहीं ना। थोड़ी बहुत तो ट्राई कर सकते हो आप। थोड़ा सा लगाओ, दो कप। हमारी रसगुल्ला चाय रेडी है। रेडी हो आप? बिल्कुल, कोई घबराहट तो नहीं हो रही? अरे खाओ खाओ रसगुल्ला खाओ। भगवान अगर आज मुझे ये चैलेंज करते वक्त कुछ हो जाए तो मेरी आत्मा को पक्का शांति देना, इससे घटिया चीज मार्केट में कुछ नहीं हो सकती। भाई लोग बेच रहे हैं। ठीक है मत ट्राई करना, बहुत बेकार। गाइस नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं पेस्ट्री मैगी, वेज मैगी, चीज मैगी, नूडल मैगी, सब सुना था पर पेस्ट्री मैगी कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे एक दुकान मिली है मैगी की, चलकर पूछते कि हमें पेस्ट्री मैगी मिलेगी क्या। आंटी पेस्ट्री मैगी होगी आपके पास? शर्म है कुछ शर्म आया है? हम बनाते नहीं है, आपके लिए बनवा देंगे। लोग आते हैं वैसे ऐसी मैगी बनवाने? कोई भी नहीं आ रहा आज तक। ये बता रही है ऐसा कोई आता नहीं है इस हरकत के लिए, मैं ही आई हूँ स्पेशली पेस्ट्री मैगी खानी है। देखो आंटी अब पेस्ट्री को ऐसे बन जाएगी ना? बन जाएगी। चलो बनाओ पेस्ट्री मैगी। मेरी समझ में अभी तक एक चीज नहीं आ रही कि ये जो प्रोडक्ट्स हम ये खा रही है लोग जनरली इनको जाके खाते भी हैं, ये सब चीजें बस वीडियो बनाने के लिए बनी है। ये घोटाला है। हम समझ गए, कौन फिरकी ले रहा है। मैं अब इसे ट्राई करने वाली हूँ। मैं सच बताऊँ इसको देखने के बाद ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर से, पर फिर भी अगर मेरा चैलेंज है मैं खाऊंगी। डर सबको लगता है, कला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। जब किसी चीज को खा के कैसी गंदी से झंझटाहट से नहीं बचती, वैसा सा फील हो रहा मुझे। आ एक चम्मच और। अरे कहाँ से देख के आए हो और क्यों बनवा रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रही है। गाइस मेरी तरफ से तो ये है, कभी ट्राई मत करना। गाइस अगला वियर्ड फूड जो मैं खाने वाली हूँ वो तो किसी के जहन में आ ही नहीं सकता कि यार ये चीज भी बनती है। जी हाँ, और वो है गुलाब जामुन का पराठा। और मैं सच बता रही हूँ कि ये फूड हमने बहुत ढूंढा नहीं मिला। तो अभी मेरी खाने वाली दीदी आई है और मैंने गुलाब जामुन खरीद लिए हैं, तो मैं अभी जा रही हूँ दीदी से ही घर में गुलाब जामुन का पराठा बनवाऊंगी और टेस्ट करके देखूंगी कि यार ये कैसा बनता है। दीदी आपको मेरे पे बस एक एहसान करना है आज, हम बनाने वाले आज गुलाब जामुन का पराठा। देखो दीदी मैं आपको दिखाती हूँ। बन जाएगा? बन जाएगा। अंदर ही अंदर आज हमें गालियां दे रही होंगी कि मतलब ये इस चीज के लिए मैं हूँ यार, मेरे से गुलाब जामुन का पराठा बनवा रहा है कोई। और गाइस अभी तो हम ये गुलाब जामुन की हत्या कर रहे हैं, पर आगे जो आने वाले वियर्ड फूड है ना उसके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, इतने खतरनाक वियर्ड फूड और हम ट्राई करने वाले हैं। दीदी कितना टाइम लगेगा अब इसमें?
पाँच मिनट अभी लगेंगे। जब तक दीदी ये गुलाब जामुन का पराठा बना रही है, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं पूरा दिन ये उलूल जुलूल बहुत ज्यादा ठूसती हूँ, बट अगर आप लोग भी मेरी तरह फास्ट फूड के बहुत बड़े शौकीन हो तो ऐसे में अपनी स्किन का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और यार देखो, अपनी स्किन को हेल्दी रखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, उसके लिए आपको एक अच्छा फेस वॉश और एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना होता है। पर दिक्कत ये है कि मार्केट में जो मोस्टली फेस वॉश अवेलेबल है ना, वो स्किन को ड्राई कर देते हैं। और इसी का सोल्यूशन है मामाअर्थ का न्यू हनी मलाई फेस वॉश विद ट्रेडिशनली रिच इंग्रेडिएंट्स हनी एंड मलाई। ये फेस को जेंटली क्लींस करके डर्ट एंड ग्राइम निकाल देता है बिना फेस को ड्राई किए, और हनी स्किन को प्यूरिफाई करने में और मलाई स्किन को स्मूथ करने में हेल्प करती है। और इसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए बस मामाअर्थ का ही हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा लो और स्किन को हेल्दी ग्लो देता है बिना किसी चिपचिप के। बस ये दो प्रोडक्ट्स ले लो, टेंशन फ्री हो जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, 20% ऑफ मिल जाएगा। और मामाअर्थ की सबसे बढ़िया बात तो आपको पता ही है, आप जब भी इनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो ये आपके ऑर्डर को एक वेबसाइट से लिंक करके एक ट्री लगाते हैं। मामाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज लगाना। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अभी ईकॉम लाइक नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के साथ साथ आपके नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल है। अगर आपको दिखे तो कॉमेंट करके बता देना। फाइनली ये रहा हमारा बरामदा। ट्रस्ट मी, मुझे ये बहुत अटपटा कॉम्बिनेशन लग रहा था कि यार ये भी अटपट भाई, ये बहुत टेस्टी है। दीदी खा के देखो, खाओ आज। आपने कभी सोचा था कि गुलाब जामुन का पराठा खाओ? अच्छा ना, ये मैं खा सकती हूँ, मतलब ये मैं हफ्ते में एक बार तो खा ही सकती हूँ, इतना टेस्टी है। तो अगर ये किसी को ट्राई करना अपने घर पे तो मैं कहूंगी यस जी, आप कर सकते हो। हर वियर्ड फूड खराब नहीं होता, मैं बता रही हूँ। गाइस अगला आइटम मैं ऐसा ट्राई करने वाली हूँ ना जिसके लिए मैं कभी सपने में भी खाने का नहीं सोच सकती, और इस आइटम के लिए मुझे कहीं बाहर खोजना या किसी से बनवाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हरकत ऑलरेडी वाह मोमो कर रहा है। और वो आइटम है चॉकलेट मोमोज। कैसा होगा ये आइटम यार, लिटरली चॉकलेट मोमोज होंगे। हाँ तो मुझे एक प्लेट चॉकलेट मोमोज चाहिए। लोग खरीदते हैं चॉकलेट मोमोज? हाँ, लड़कियों को पसंद ज्यादा होता है। वो कौन सी कन्या है, कौन सी महिलाएं चॉकलेट मोमोज पसंद कर रही हैं? भैया आपने कभी चॉकलेट मोमोज खाए हैं? नहीं खाए। चॉकलेट मोमोज नहीं खाए, पर गुटखा बराबर खा रहे हो आप। बोलो सुबह तीसरे आप खाओगे आज, ट्राई करोगे? गुटखा थूकना पड़ेगा। थूकोगे? थूक क्या? नुकसान करा दिया मोमोज के चक्कर में। इसमें मोमोज कहाँ है? कहाँ छुपा हुआ है? ट्राई करते हैं दिल पर माइक लगाकर। What? क्रिएटर में पत्थर नहीं रख सकते। गाइस मैं निशु तिवारी, मैंने बड़ी बड़ी बातें बोली पर सच में टेस्टी है यार। ये सब दुगलापन है। मैं नहीं मानता। भैया खा के बताएंगे अभी ईमानदारी से कैसा है। आटा लो पूरा। गुटके में टेस्ट मिक्स हो गया, और तगड़ा लग रहा है भैया का। कैसा लग रहा है भैया? मजा आया। अपनी वीडियो शूट करो। अरे ले गया भाई बोला टुडे। भाई ये आप ट्राई कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगी। खाओ चॉकलेट मोमोज दबा। गाइस अगला वियर्ड आइटम मैं ट्राई करने वाली हूँ, मैगी मैंगो शेक। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं, पहले मुझे भी नहीं हो रहा था, फिर मैंने इस आइटम की वायरल वीडियोस देखी, मैगी शेक मैगी शेक, तो मैंने सोचा जब इतना समाज में मिल रहा है तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। आप मुझे स्ट्रॉ और स्पून दोनों दे दो। गाइस हमारी जो मैगी शेक वो बन के रेडी हो चुका है। चटनी डालनी है क्या, सॉस वॉस? मुझे क्या मतलब, तू जो खाना है खा, मेरा। अरे तू भी तो खाएगा, तेरी भी तो अनुमति जरूरी है। अभी तक मुझे डाउट था कि हर चीज पे जो मैंने टेस्ट करेगी हो सकता है अच्छा हो, इस पे मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है पूरी, ये घटिया है। जो लोग दारू वारू नहीं पीते इसको सुन के नशा कर सकते हो। बहुत ही भयंकर आइटम है यार। क्योंकि ये हिंदुस्तान में चली आ रही प्रथाओं को तोड़ते हुए ये वियर्ड फूड बना है, और वो है आइसक्रीम गोलगप्पा।
जी। और यार मैंने पूरी दिल्ली छान मारी कि कहीं पे मुझे आइसक्रीम गोलगप्पा मिल जाए, माँ कसम कहीं नहीं मिला। तब मुझे एक दुकान मिली है जो मेरा आइसक्रीम गोलगप्पा बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और गाइज मैं ही जानती हूँ ये भैया कैसे माने मेरे लिए ये आइसक्रीम गोलगप्पा बनाने के लिए। भैया पहले आपने बनवाई है किसी के लिए ऐसा कुछ बनाया आइटम है? पहली बार बना रहे हो? मतलब सालों से एक प्रथा चली आ रही है लड़कियों के लिए स्पेशली एक गोलगप्पा होता है, हाँ तीखा तीखा पानी होता है, मीठा गोलगप्पा। कमेंट करो गाइज आपने कौन सा वियर्ड फूड ट्राई किया आज तक। तो गाइज हमारे आइसक्रीम गोलगप्पे बनके रेडी है, अब टाइम है को ट्राई करने का। खाओगे? खाओगे? सब मना कर रहे, कोई नहीं खाना चाह रहा, मैं ही खाऊंगी इसे। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्या कैसा आइसक्रीम अंदर? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? ये बढ़िया क्या है ये? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कौन सा फूड बनाकर खा रहा है। तो खाने के बाद मेरा पेट में क्या बोल रहा है? मालिक माफ कर दो, आज मुझसे कौन सी गलती होगी, सुबह से इतना टॉर्चर कर रहे हो। भैया को खिलाऊंगी, एक ट्राई करके बताओ कैसा है। सारे आदमियों को पसंद कैसे आ रहा है? अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो खा सकता है, वरना मत खाना। एंड गाइस अब मैं वो वेट आइटम खाने वाली हूँ जिसके लिए मैं सुबह से घबरा रही थी कि यार मुझे इस चैलेंज में ये भी खाना पड़ेगा, गोलगप्पा शेक। ये आइटम भी मैंने बहुत ढूंढा मार्केट में, पर यार गोलगप्पा शेक सच में कोई नहीं बना रहा। फिर मैंने सोचा अपना गोलगप्पा इकट्ठा किया जाए, शेक की दुकान ढूंढी जाए और अपना खुद से ये आइटम तैयार करवाया जाए। भैया देखो ये रील, दूध डाल दे। नहीं दूध मत डालो, बस यही सारा आइटम डालना है, पानी वानी डाला उन्होंने। डाला गोलगप्पे, रेड सॉस डाला इसमें, आलू प्याज और चना। यार भगवान से डरिए, क्या करवा रही है? गाइस सच बताऊं तो बनवाते वक्त शर्मिंदगी तो बहुत महसूस हो रही है, पर क्या करूं, चैलेंज भी तो करना है। हां भैया चीयर्स। गाइस मैंने उधर नहीं बोला, पर मैं सच बताऊं जब आप गोलगप्पे खा लेते हो बहुत सारे और आपके वेट में खराबी हो जाती है, तो जब आप गोलगप्पे वाली उल्टी करते हो ना, वो सेम टेस्ट इसका लग रहा है। जब इससे ज्यादा मैं कुछ ट्राई नहीं कर सकती, ये अपना लास्ट आइटम है, मैं यही खत्म कर रही हूँ उस चैलेंज को। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दे कृपया करके, मेरी इस हरकत के लिए 1,00,000 लाइक कराए, और अगर आप करा देते हैं तो हम दोनों मिलके दोबारा पार्ट 2 बनाएंगे। मेरा कोई लेना देना और बियर्ड फूड ट्राई करेंगे, 1,00,000 लाइक करो, वो बहुत ही एक्सट्रीम बियर्ड फूड होगा। सब्सक्राइब करो मेरे पेट के लिए।